हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे इसने सुबह सुबह ब्लॉग कैसे बना लिया। तो बात ऐसी है कि आज मेरी वापसी अपने ससुराल की तरफ, छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। बहुत कम छुट्टियां आई थी, क्या करूँ, छुट्टी कम ली थी, अभी फिर छुट्टी लेनी है मेरे को। सरप्राइज है, आपको बताऊँगी क्यों लेनी है छुट्टी, पर लेनी है छुट्टी। और सोचा जाते वक्त का ब्लॉग बना दो, नहीं तो बोलेंगे आने का ब्लॉग बनाया था और जाते वक्त का नहीं बनाया। एक तो मुझे कोल्ड एंड कफ भी हो गया था, इस चक्कर में मैं कहीं भी जा नहीं सकी और ब्लॉग बना नहीं पाई। घर में तो क्या ब्लॉगिंग बनाती, वही दिन भर का काम रहता है जो, तो इसलिए नहीं बनाया घर पे और बाहर जाने का हुआ नहीं। इसलिए फिर मिलती हूँ आपको तैयार होके, फिर मिलती हूँ आपको रास्ते में। मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकल रहे हैं बस। ननू सो चुका है। दोस्तों बस अब निकलते हैं, सामान पैक है, बस नीचे उतारना है, चल रहे हैं। यहाँ पर मम्मी हस्बैंड का टीका करते हुए, और वो हमेशा की तरह मम्मी से टीके के पैसे नहीं लेते हुए आनाकानी करते हुए मम्मी जबरदस्ती कर रही है, पर वो नहीं ले रहे। एट लास्ट मम्मी ने जबरदस्ती उनकी जेब में डाल दिया। अब यहाँ पर मम्मी मेरा टीका कर रही है। मेरा तो हस्बैंड ने देख ली कैसी वीडियो बनाई है, साफ मेरा फेस ही काट दिया। यहाँ पर मम्मी बोल रही है मेरे को, नन्नू को लेके आ, मैं नन्नू का करूँगी। नन्नू तो सो रखा है, मैं फिर उसको नींद में ही लेकर आई और मम्मी ने उसका नींद में ही टीका किया। देखो नींद में वो कैसे झूम रहा है। नींद में मम्मी ने उसका टीका कर दिया, झूम रहा है वो नींद में। नींद में लेके गई, उठ गया वो जाते वक्त, मेरे को ऐसा लगा कि उसको नींद में ही लेकर जाना पड़ेगा, पर उसकी नींद खुल गई, उसकी नानी ने उसे उठा दिया। अब बस हम नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, अब जा रहे हैं। आते वक्त तो बहुत खुशी होती है, अपने मायके पर जाते वक्त बहुत बुरा लगता है उतना ही, पर क्या करना, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत कम छुट्टियाँ थी क्योंकि अब मैंने फिर से छुट्टी लेनी है और इन छुट्टियों में हमने खूब मस्ती करनी है। आपको आगे पता चलेगा, ब्लॉग आएंगे मेरे, कोशिश करूँगी एक दो ब्लॉग डाल दूँ। यहाँ पे हस्बैंड सामान रखते हुए सेटिंग कर रहे हैं सामान की। बोलते हैं आते वक्त तो तेरे पास सामान कम रहता है और जाते वक्त तो इतना इकट्ठा कर लेती है मम्मी लोग, इतना नन्नू को दे देते हैं, मौसी वगैरह इतना सामान दे देते हैं कि कोई जाता है ज़्यादा। यहाँ पे पापा हैं और मम्मी के पापा के बैठ चुकी है, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम निकल चुके हैं। ये हमारे घर से निकलने वाली रोड है। अभी हम मसूरी पहुँच चुके हैं, अभी हमें यहाँ से लगभग 4 घंटे लगेंगे और तो बच्चे के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाता है, तो हम लगभग 5 बजे तक पहुँचेंगे। फिर रास्ते के मैं आपको क्लिप्स दिखाती रहूँगी जैसे दिखाती हूँ हमेशा, और एंजॉय कीजिए मेरे साथ मेरी ट्रिप। क्या करें, इस बार छुट्टियों का पता ही नहीं चला, बहुत कम छुट्टियाँ थी, बिल्कुल पता नहीं चला। और जैसा कि नन्नू रास्ते में ट्रैवलिंग में सो जाता है, तो वो सो चुका है, आराम से मस्त नींद ले रहा है। अब बीच में उठेगा, थोड़ा बहुत दूध तो पीता नहीं है, वो थोड़ा बहुत पिया तो मुश्किल से पिएगा। ट्रक यहाँ पर ननु मस्त मजे की नींद लेते हुए मजे से सो रखा है, उसे बहुत मजा आता है ट्रैवलिंग में सोते हुए, झूले झूला झूलते हुए जाता है, मजे से सोते हुए जाता है। हम रुक रखे हैं मसूरी में ही, यहाँ पर हम भुट्टा खा रहे हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं बॉयल भुट्टा, उसमें मसाला वगैरह लगा के मुझे बहुत पसंद है। तो अभी हस्बैंड उतरे हैं मेरे लिए भुट्टा लेने के लिए, मैं गाड़ी में ही हूँ क्योंकि ननू सो रखा है। बस भुट्टा खाते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ ये आ गया मेरा भुट्टा, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। चलिए फिर मैं भुट्टा खाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ मैं आपको रास्ते की क्लिप्स कैसे कैसे हम जाते हैं हमेशा की तरह, फिर मिलती हूँ। नींद अच्छी आती है। और सोना है, और सोना है, सो जाओ।
दोस्तों, अब हम यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए रुके हैं। बीच में हमारा आधा सफ़र कंप्लीट हो चुका है, अब आधा बचा है। हम सेंटर में रुके हैं, नाश्ता करते हैं कुछ। देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, यहाँ पे हम नाश्ते के लिए रुके हैं। गई, हम मैगी खाएंगे, अभी हमारा बंद आमलेट आएगा और चाय भी आएगी, है ना? फिर हम इसको खा के तब निकलेंगे। हाँ जी दोस्तों, नाश्ता पानी हो चुका है अब हमारा, अब निकल रहे हैं हम अपने आगे के सफर के लिए, यानी कि अपने ससुराल की तरफ। नन्नू तो पहाड़ी को देखता हुआ जा रहा है, एंजॉय करता हुआ जा रहा है ना? मजे आ रहे हैं आपको? आप तो अब खड़े होके देखने वाले भी हो गए, और अपने आप खड़े हो गए, सुंदर सुंदर पहाड़ी देख रहे हो। ठंडा बहुत है तो हमने सोचा चाय पी ली जाए, तो हम रुक के आज दूसरी बार रुके हैं और चाय फिर से पी रहे हैं। ठंडा लग रहा है बहुत, गला भी खराब है। हाँ जी फ्रेंड, मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत लंबा सफ़र रहा आज, रुक रुक के आए क्योंकि नन्नू था साथ में और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए रुक रुक के आए। मैंने सोचा पहले ही बताती हूँ, घर पहुँच के टाइम नहीं मिलता, बस अब गाड़ी से उतर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पहुँच गए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।